आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। मजा बन जाएगा सजा, नहाने के मजे में जिंदगी से धो बैठेंगे हाथ, लापरवाही का शिकार हुए तो समझो जिंदगी बर्बाद। यह सब कुछ हो सकता है अगर आप बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई स्थित ड्रीम लैंड वाटर पार्क जाने का मन बना रहे हैं। जी हाँ, यह हम नहीं बल्कि यह तस्वीर कर रही है। तस्वीर में दिख रही इस युवती के जख्म चिक चिक कर इस बात की ताकीद दे रहे हैं कि बलिया के वाटर पार्क में जाने का मतलब अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़। वाटर पार्क संचालकों की कथित लापरवाही के कारण यह युवती कई दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। खुशबू के परिजनों की माने तो काफी जदोजहद के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। खुशबू के भाई के मुताबिक उसको धमकी मिल रही है, वाटर पार्क संचालकों द्वारा भी धमकी मिल रही है। आरोप है कि वाटर पार्क में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। पीड़िता के भाई ने बताया कि वाटर पार्क संचालकों को केवल इस बात से मतलब था कि उसकी बहन मर गई या जिंदा है। सुना आपने, आखिर ऐसा कौन होगा जो इतना सुनने और देखने के बाद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बलिया के वाटर पार्क में जाना चाहेगा। पीड़िता के भाई लेकिन अंत में परिजनों के तहरीर पर बलिया के सुखपुरा थाने में वाटर पार्क के 4 संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हैरत की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी बलिया की पुलिस खामोश रही। सवाल यह भी है कि अगर यह हादसा किसी बड़े नेता या अधिकारी के साथ या उनके परिजनों के साथ होता तो क्या शासन प्रशासन ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर कुंभकर्णी निंद्रा का मजा ले रहा होता? क्या बाबा का बुलडोजर खामोश रहता? खैर, यह तो समय बताएगा कि पीड़िता को बलिया पुलिस कब तक न्याय दिला पाती है। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। वाटर पार्क वाले जो मोबाइल से आपको किस रखा तस्वीरें डिलीट कराए हैं, क्या है वहाँ पे? नर्स जो स्टाफ इमरजेंसी बलिया इमरजेंसी में थी, लोग वहाँ पे फोटो सब खींच रही थी, फोटो वोटो ली कि हम लोग के भी घर के बच्चे उच्चे जाने के लिए जिद करते हैं, दिखाएंगे कि इतना बड़ा घटना हो गया, तो इसीलिए वो लोग फोटो वोटो खींची थी, लोग नर्स स्टाफ थी तो डिलीट करवा दिए। ये कौन लोग थे डिलीट कराने वाले? वाटर पार्क वाले। क्या बता रहे थे उन लोगों को, किस तरह की बातें कर रहे थे? कि बोला कि ना ना, ये डिलीट करिए, आप लोग को यही लग रहा है, डिलीट करिए, ये सब नहीं होगा, नहीं होगा, बस इतना ही। आखिर क्यों वीडियो बना रही थी वो लोग, जो फोटो खींच रही थी, किस लिए खींच रही थी? बना रहे थे लोग कि हम लोग के भी घर, मान लीजिए बलिया में ये इतना बड़ा घटना हो गया, हम लोग के घर के भी बच्चे लोग जाने के लिए जिद करते हैं, कोई जाएगा नहीं वहाँ पे, सुविधा नहीं है। क्या कोई आप यहाँ के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे, बच्चों से, कि ऐसे वाटर पार्क पर ना जाएं? और जिस तरह से मैं तो सबसे कहूँगी कि वो ऐसे वाटर पार्क में कोई ना जाए तो सेफ्टी है, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। थोड़ा सा जगह में इतना बड़ा खोल लिए हैं लोग और कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए आज जान चले गया होता तो हम क्या करते, मेरे घर वाले तो मर गए होते रोते रोते। आप कोई अपील करेंगे यहाँ के लोगों से, क्या अपील करेंगे? मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो जा रहा है, बीपी बढ़ जा रहा है, गिर जा रही है। क्या अपील करेंगे आप यहाँ की जनता से? जनता से मैं यही कहूँगी कि कोई ना जाए वहाँ पे, ऐसे वाटर पार्क में। मेरा नाम है शशि भूषण गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हैबतपुर के हैबतपुर के हूँ। आपकी बहन कहाँ गई थी और आपकी बहन के साथ किस तरह का बड़ा हादसा हुआ? बहन के साथ एक घटना हुआ, ये वाटर पार्क गई 9 तारीख को 11 बजे से, और लगभग हमको लगा था कि वाटर पार्क गई है, चलिए समय से आ जाएंगी। लगभग मेरे ऊपर 1:30 बजे फोन आया, बहन के साथ ही आपका घटना हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल में। हमको लगा कि छोटा मोटा चोट लगा है, लेकिन तब तक वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है और ये बेहोश की हालत में खड़ी थी, हम समझ नहीं पाए, और हमको बैठा कर एम्बुलेंस में माता जी को भेज दिया गया कि आप जाइए ट्रामा सेंटर में लेकर। हम ट्रामा सेंटर लेकर चले गए, वहाँ पर जैसे ही हम 6-7 बजे ट्रामा सेंटर में पहुँचे, जब इमरजेंसी वार्ड में देखे कि इसका हालत पूरा यहाँ से दाएं साइड का पूरा इसका खोपड़ी पूरा बाल सहित उखड़ गया है, अंदर का दिखाई दे रहा था एक एक नस। हम वहाँ पर देखे, डॉक्टर ने हमसे पूछे कि किसने मारा है, कैसे क्या हुआ, हम देखकर वहाँ पर बेहोश होने लगे कि ये क्या हो गया, जो कि छोटी है बहन, इसको हम हाथ से खिलाए हैं पिलाए हैं और हर चीज़ सेवा किए हैं, लेकिन क्या बताएं, देखने के बाद हम वहाँ पर रोने के मारे हम भी वहाँ पर बेहोश होकर गिरने वाले थे। डॉक्टर हमको बोले कि आप जाइए यहाँ से, उसके बाद जाने के बाद अब हम वहाँ पे इलाज ट्रीटमेंट चालू हो गया। उसके बाद होने के बाद 10 तारीख को इनका
सर्जरी हो गया, उसी दौरान कुछ लोग इनका फोटो वीडियो डिलीट करने का कोशिश किए, सरकारी हॉस्पिटल से पूरा सबूत इनको मिटाने का कोशिश किए। हम यही चाहते हैं, अब ये तो जानकारी है नहीं कौन की, वाटर पार्क वाले शायद कर सकते हैं, यही किए हैं। और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन से कि मुझे इंसाफ मिले, बहन को इंसाफ मिले, कार्रवाई हो। अभी तक चारों ओर से हमको दबाव बनाया जा रहा है कि कार्रवाई मत कीजिएगा, धमकी हमको दिया जा रहा है, क्योंकि हम अकेले हैं। कौन धमकी दे रहा है हमें, कहां से आपको मिल रही है? वाटर पार्क, वाटर पार्क वाले धमकी दे रहे हैं ताकि हम वकील हैं, जज हैं, कुछ भी करा सकते हैं। 500 रुपया हमारे पास ये है वो है। अभी तक हमने दिया नहीं है क्योंकि हम 23 तारीख को ट्रामा सेंटर से इनको इलाज कराने में व्यस्त है, और उसके बाद हम आजकल में हम भी जाएंगे ट्रामा देंगे, थाने में दरखास्त देंगे। जी बिल्कुल बंद होना चाहिए, जब वहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम है नहीं तो उसको बंद कीजिए। आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये लोग मजाक बना कर रखे हैं, केवल ये पता ये लोग कर रहे हैं वाटर पार्क वाले कि लड़की जी रही है कि मर गई है, केवल ये पता कर रहे हैं। जी रही है ठीक है, मर गई है अब वो लोग सोच रहे हैं। नहीं तहरीर अभी तक दिए हैं नहीं, हम जा रहे हैं देने थाने में तहरीर। इस तरह से जो लापरवाही हो रहा है ये किसी और के साथ ना हो। सर करनई स्थित एक वाटर पार्क है जिसमें अनियमितता या कुछ मामला था जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज किया, क्या मामला है सर? एक थाना सुखपुरा के अंतर्गत करनई में एक वाटर पार्क है जिसमें एक बच्ची गई थी वाटर पार्क में, तो उसके साथ कुछ वहाँ अव्यवस्था के कारण उसके सर में चोट आ गई थी, तो अपना इलाज करवा रही थी। अभी उन्होंने कल जो है थाने पे जा करके उस लापरवाही के कारण जो अव्यवस्था वहाँ थी उसके कारण जो उनको चोट आई है उसके संबंध में उन्होंने तहरीर दिया है जिसमें सुसंगत धाराओं में थाना सुखपुरा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अब उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।